Morning students. Now we discuss some examples. Find the center of pressure of a circular lamina just immersed in a heavy homogeneous liquid. Now in this question we have to find the center of pressure of a circular lamina which is just immersed in a heavy liquid. In last question which we have discussed earlier, circular lamina is immersed in a liquid whose center is at a depth h from the free surface. But here h is equal to a here. Means which is equal to a radius of the circle, means just touching. So we write top and a of the vertical diameter is on the free surface. So here h is equal to a. So आपको ने वो last जो question है वो as it is करना है. आपने वहाँ h की value को a consider करके काम करना है. ठीक है. Second example है, quadrant of a circle is just immersed vertically with one edge in the surface in a liquid whose density varies as the depth and show that Cp is at this point where Oy is along the surface of the liquid. यहाँ जो सर्कल का क्वाड्रेंट है वो जस्ट वो क्वाड्रेंट ही इमर्स्ड है लिक्विड में. वन एज इज ऑन द सरफेस और जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपकी वेरी कर रही है एज द डेप्थ के साथ साथ वेरी कर रही है. मींस जैसे अगर आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी तो आपकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. शो क्या करना है, सीपी जो है वो आपका इस पॉइंट पे लाई करेगा. ओ वाई एक्सिस जो है इट इज टेकन अलोंग द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. मीन्स जनरली हम ये एक्सिस जो है वो एक्सिस कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ हमने अलोंग द सर्फेस ऑफ लिक्विड जो ये कंसिडर किए हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया और इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमारी एक्स एक्सिस है. नाउ OAB इज क्वाड्रेंट ऑफ अ लिक्विड हुज हॉरिजॉन्टल रेडियस OA इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड वर्टिकल रेडियस इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ इमेजिन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्ट्रिप्स पैरेलल टू OA. नाउ वी कंसिडर द स्मॉल स्ट्रिप CD व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफ थिकनेस डेल्टा x. नाउ प्रेशर एट अ डेप्थ x इज इक्वल टू रो g x using the formula and rho varies as the distance, varies as the depth, means rho is proportional to x. So here rho is equal to kx where k is constant of proportionality. G into x, this is equal to kg x square. Now we have to find the area of this strip cd. Area is denoted by ds. This is equal to cd into width, means delta x. Cd, to calculate cd, we consider this right angle triangle OCD where OC is perpendicular to cd here. So we calculate from this right angle triangle CD. CD is under root a square minus x square because OD is radius of the circle. ठीक है. Now pressure on this small element act at the midpoint of the CD. Means say this midpoint is denoted by M. So here NM की बात करें तो NM क्या हो गया x और CM क्या हो गया आपका y हो गया. और अगर हम CP के coordinates को x bar y bar से denote कर रहे हैं तो x बार का फॉर्मूला पता है आपको, y बार का फॉर्मूला पता है, जस्ट वो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया. नाउ टू फाइंड x बार का फॉर्मूला, x एज इट इज p की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, kg x स्क्वायर ds आपको पता है, ऐसे ही नीचे आपने वैल्यूज रखनी है, जो कॉमन आ रहा हो मींस जो कॉन्स्टेंट हम हो वो तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका बच गया. अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आपको आती है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो. इंटीग्रेट करोगे आपका क्या निकल जाएगा, x बार. फिर ऐसे ही आपने क्या निकालना है, y बार निकालना है. y बार का भी फॉर्मूला पता है, जस्ट y बार के फॉर्मूले में क्या है, x की जगह आपने क्या पुट करना है, y पुट करना है. और y का मतलब यहाँ क्या है हमारा, y का मतलब क्या है, सी एम है. ठीक है, क्वेश्चन में आप पुट करोगे सी एम की, जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी सी एम के, क्या आ जाएगा आपका, देखो सी एम इज हाफ ऑफ द सी डी बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. तो हम सी डी आपको पता है, सी डी भी हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो सीएम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये जस्ट हमने वैल्यू रखी है वाई की, अगर फॉर्मूला लगाया आपने प्रेशर का, जो वैल्यूज थी वो आपने जस्ट पुट की है, सो किया उसको. ठीक है, तो ये आके आ गया आपका सीपी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल इज इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी वेरीज एज अ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस. यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं वो, एक रेक्टेंगल हमने इमर्स्ड की हुई है, वर्टिकली इमर्स्ड किया हमने लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की फिर क्या कर रही है, वेरी कर रही है एज अ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस. इफ टू हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर एट अ डेप्थ ए एंड बी बिलो द सरफेस देन शो दैट डेप्थ ऑफ सीपी इज दिस. सीपी की डेप्थ निकालने का मतलब सिर्फ एक ही आपको कोऑर्डिनेट जो है उसका सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स बार आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ जो सीपी सॉरी जो आपकी रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल की कोई एक साइड जो है वो सरफेस को टच नहीं कर रही है, सरफेस पे लाई नहीं कर रही है उसकी कोई भी साइड. रेक्टेंगल जो है वो होल रेक्टेंगल इज इमर्स्ड इन द लिक्विड. जो फर्स्ट जो साइड हमने ए बी है हमने क्या कंसिडर किया, लेट इट इज एट अ डेप्थ ए फ्रॉम द फ्री सर्फेस एंड द साइड सी डी इज एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द फ्री सर्फेस. क्वेश्चन बिल्कुल सेम करना है आपने. वी कंसिडर हियर दिस रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ
of the small strips and we'll consider a small strip PQ at a distance x. और वो डिस्टेंस x हमने कहाँ से कंसिडर किया? फ्रॉम द फ्री सरफेस. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड x बार. x बार का आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है. प्रेशर एट पॉइंट x मींस सॉरी एट अ डेप्थ x, प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एक्स, और रो आपका वेरी कर रहा है एज अ डेप्थ, तो रो इज इक्वल टू के एक्स इंटू जी एक्स मीन के जी एक्स स्क्वायर. डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज पी क्यू इंटू थिकनेस मीन डेल्टा एक्स. PQ तो किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल ही हो जाएगा. जो भी साइड हम AB की जो हम लेंथ कंसीडर करेंगे वही हमारा PQ है. जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करते वक्त लिमिट्स देखो यहाँ क्या आएंगी, x की लिमिट्स. अब जो ये स्ट्रिप कंसीडर की है, अब स्ट्रिप जो है उस रेक्टेंगल में ही तो आपने स्ट्रिप कंसीडर की है ना, कि हमने ये अज्यूम किया कि रेक्टेंगल जो है इन स्ट्रिप्स से मिलकर बनी हुई है, इस टाइप्स की स्ट्रिप से. तो मीन्स या तो वो स्ट्रिप जो है वो यहाँ AB मीन्स यहाँ लाई करेगी, या फिर वो इसी भी यहाँ लाई करेगी वो स्ट्रिप. अगर वो स्ट्रिप यहाँ लाई करती है तो x डिस्टेंस जो है वो फ्री सरफेस से कितना हो जाएगा? a हो जाएगा. और अगर यहाँ लाई करती है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? b. तो मींस जो वेरिएशन है या मींस जो लिमिट्स है x की वो क्या होंगी? a टू b होंगी. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसकी लिमिट्स क्या होंगी. ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन था इसमें जो x की लिमिट्स आनी थी, अब जो ये स्ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी ये आपने देखना है. ये स्ट्रिप आपकी इस क्वाड्रेंट की, हमने ये अज्यूम किया ना एक क्वाड्रेंट जो है वो इन स्ट्रिप्स से मिलके बना हुआ है, तो या तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ इस कॉर्नर पे इस एंड पे आ सकती है इस एंड पे, या फिर वो इस एंड पे आ सकती है. ठीक है, अगर वो आपकी इस एंड पे आ गई तो यहाँ तो क्या डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो ही हो गया. और अगर वो इस एंड पे आई तो वो कितना हो गया डिस्टेंस? रेडियस के इक्वल हो गया फिर. तो यहाँ एक्स की जो लिमिट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? जीरो टू ए रहेंगी. ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हो अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व. अब आप ये सेकंड थर्ड क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.